राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत अंगार घाट थाना क्षेत्र के चैता दक्षिणी पंचायत में आज एक 17 वर्षीय बालिका सोनिया कुमारी पिता राजवीर साहनी वार्ड 11 की मृत्यु जमुआरी नदी से आए हुए बाढ़ के पानी में डूबने के कारण हो गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची अंगार घाट पुलिस से मुआवजे की मांग की है। मौके पर उपस्थित मुख्य प्रतिनिधि कमलकांत राय ने कहा कि नियमाकुल मुआवजे के लिए प्रशासन को सूचित किया गया है एवं तत्काल मुआवजे की राशि 20,000 रुपए प्रखंड विकास पदाधिकारी अभी चेक के माध्यम से भेज रहे हैं। मौके पर उपस्थित जिला परिषद महावीर पोलदार, जिला परिषद उम्मीदवार संजीत कुमार पांडे उर्फ भुल्लू भाई, अमृत चौधरी, राम बालक साहनी, मुख्य उम्मीदवार रघुवंश राय, वीरेंद्र निषाद, राम पुकार साहनी, दिलीप राय ने जिला प्रशासन से अविलंब जल निकासी की मांग की। महावीर पोलदार, यहाँ जो घटना हुआ कैसे हुआ? यहाँ एक राजगीर साहनी की 17 वर्षीय पुत्री है जो कपड़ा धोने के लिए इस चौर के गड्ढा में गई थी और जहां पैर फिसलने से इसकी मृत्यु हुई, और हम ये समझ रहे हैं और यहां के जो लोग आक्रोशित हैं पूरा वर्षा और बाढ़ के पानी से चौर में जल जमाव होने के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर जल जमाव का समय रहते, अगर जिला प्रशासन समुचित व्यवस्था किया होता तो ये घटना नहीं घटती। और इससे पहले भी रेवाड़ी में एक घटना घट चुकी है, डूब करके एक 7 साल का बच्चा मर गया। और इस तरीके से जल जमाव से जो लगातार बच्चों और वृद्धों की जो मृत्यु हो रही है, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार बिहार की सरकार है। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जनता को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए और समय रहते जल जमाव का निकासी करना चाहिए। हम प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि जो नियमानुकूल जो पर्याप्त मुआवजा है 4 लाख देने का, वो मुआवजा सरकार अविलंब दे, चूँकि ये BPL परिवार हैं, और जल निकासी का समुचित प्रबंध जिला प्रशासन करे। मेरा नाम संजीत कुमार पांडे। घटना जो हुआ है इसके बारे में कुछ बता सकते? ये तो घटना बहुत दुख की बात है जो है हमारे चैता दक्षिणी पंचायत के सोनी कुमारी की पानी में डूबने से इनकी मृत्यु हो गई। और पिता इनकी राजगीर सहनी जी हैं। हमारे चैता दक्षिणी पंचायत में दुख व्यक्त हम लोग कर रहे हैं और ये हम लोग आग्रह करेंगे सरकार से, ये जमुआरी नदी की पानी को उधर बांध करके हम लोग के इधर चैता दक्षिणी और इधर हमारे इलाके में जल जमाव की पूरा स्थिति बना हुआ है। बांस की छोड़ के जितने चास और खेत पथार के जितने भी हैं वे सब जल जमाव से डूबा हुआ है। आग्रह है जो ये जल जमाव की ये निकासी की भी व्यवस्था की जाए और ये पीड़ित परिवार के परिवारों को मुआवजा बिहार सरकार की तरफ से दी जाए, और हम लोग भी अपने जो हैं समाज में नेतृत्व करने वाले, हम लोग भी अपने तरफ से इनको कुछ हेल्प करेंगे। लेकिन सबसे दुख की बात है ये जो लड़की सोनी कुमारी जो हमारे समाज से चली गई, वे तो पुनः वापस नहीं आ सकती है। लेकिन सरकार को इस चीज़ को संज्ञान में ले करके इस हर तत् पर खड़ा उतरना चाहिए और हमारे क्षेत्र में ऐसा दुर्घटना होने से बचाव करने की व्यवस्था की जाए। इससे ज़्यादा और मैं क्या बता सकता हूँ। घटना हुआ है जो चैता दक्षिणी का आधा भाग जमुआरी नदी से आए हुए बाढ़ के पानी से पूरा जो बांस के बाद जो इलाका है घर के पीछे और आगे का, ये सभी जलमग्न है। इस ओर प्रशासन अभी ध्यान नहीं दिया और उसी का नतीजा है जो आज सोनिया कुमारी 17 वर्ष की जो बालिका थी, पिता राजगीर साहनी, उसी में बच्चों के साथ खेलने के क्रम में वहाँ गहरे पानी में जाने से इसकी डूबने से मृत्यु हो गई है। पूरे लोग, पूरे परिवार इस बात से शोक संतप्त हैं और पीड़ित परिवार को चाहते हैं जो पीड़ित परिवार को जो वाजिब मुआवजा है सरकार दे, इस पंचायत के मुखिया की ओर से और मैं अपनी ओर से भी और पीड़ित परिवार की ओर से बिहार सरकार से हम मांग करते हैं जो इसको जो मुआवजा की राशि है 4 लाख अविलंब भुगतान हो, और जो तत्काल मुआवजा मिलता है 20,000 का राशि वो भी भुगतान हो। अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है जो पंचायत सचिव को भेजिए, हम चेक लेकर भेज रहे हैं और इनको भुगतान किया जाएगा। सभी लोग इस बात से आक्रोशित भी हैं जो अगर इस तरह से जल निकासी चैता दक्षिणी से नहीं किया गया, जमुआरी नदी के पानी को
नहीं निकाला गया तो आए दिन कई एक घटना इस तरह से हो सकती है। इसीलिए हम सभी लोग मांग करते हैं जो पीड़ित परिवार को इसका जो वाजिब मुआवजा है अविलंब भुगतान किया जाना चाहिए। कमल कांत राय, मुखिया प्रतिनिधि, चैता दक्षिणी। ऑनलाइन भारत के लिए प्रणव कुमार की रिपोर्ट। बिहार में इन दिनों धन वर्षा हो रही है, कब किसके खाते में करोड़ों की राशि आ जाए कहना मुश्किल है। कुछ लोगों के खाते में पैसे आने की खबर तो आपने देखी होगी, लेकिन सुपौल में बिना खाता खुलवाए एक मजदूर के खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो गया। अब भी मजदूर के खाते में 9,99,00,000 रुपए मौजूद है। बताया जाता है कि उक्त खाते को पूर्व में ही साइबर डिपार्टमेंट मुंबई ने फ्रीज कर दिया है। यह सारी घटना सुपौल शहर के यूनियन बैंक में हुई है और पीड़ित मजदूर किसानपुर थाना इलाके के सिसौली का रहने वाला है, जिसे आज से पहले ना तो यूनियन बैंक में खाता होने की जानकारी थी और ना ही ये पता था कि उनके नाम इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया। किसानपुर थाना क्षेत्र के सिसौनी इलाके में रहने वाला विपिन चौहान पेशे से मजदूर है, रोज कमाता खाता है और अगले दिन फिर से रोजी रोटी की तलाश में निकल जाता है, लेकिन विपिन के नाम पर शहर के यूनियन बैंक में 9,99,00,000 रुपए रखे हैं। इसे सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल 2 दिन पहले विपिन जब गांव के ही एक CSP में मनरेगा जॉब कार्ड का खाता खुलवाने गया, तो जैसे ही CSP वालों ने आधार कार्ड नंबर डाला तो उसके एक खाता यूनियन बैंक सुपौल में होने की जानकारी मिली, जिसके बारे में विपिन को पता तक नहीं था। जब उसका बैलेंस चेक किया गया तो सुनकर विपिन के होश उड़ गए। उसके खाते में 9,99,00,000 रुपए थे। डर के मारे विपिन बैंक पहुंचा तो एक मजदूर को देख उसे बैंक के द्वारा कोई मदद नहीं की गई। विपिन ने बताया कि यूनियन बैंक में उन्होंने आज तक कोई खाता खुलवाया ही नहीं है, जिसके बाद बैंक द्वारा पहल के बाद जब उसके खाते की कुंडली निकाली गई तो बैंक के पास मौजूद कागजात में ना तो विपिन का फोटो था और ना ही दस्तखत, जिसके बाद मौजूद बैंक अधिकारियों ने खाते का ओपनिंग फॉर्म भी निकालना चाहा जो बैंक में तत्काल मिला ही नहीं। बताएगा कि 13 अक्टूबर 2016 को खुले इस खाते में 11 फरवरी 2017 तक करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है। राशि कहाँ से आई और किसने भेजी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस मामले को लेकर बैंक प्रबंधक ने अपने वरीय अधिकारियों को सूचना दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मुख्य प्रबंधक रांची संतोष कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बहरहाल अब सवाल उठता लाजमी है कि सुपौल में साइबर क्राइम से जुड़े लोगों की जड़ें कितनी मजबूत है। अगर विपिन के साथ ऐसा हुआ है तो ऐसे और कितने लोग हैं जिनके आधार कार्ड के नाम पर फर्जी खाते बैंक में खुले हुए हैं और उनमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और इन सब खातों को खोलने में बैंक कितना मददगार है जो बिना कागजातों के तहकीकात किए फर्जी खाते खोल रहा है। इसकी भी बारीकी से जांच होनी चाहिए। लेबर कार्ड बनाने के लिए तो वहाँ पता चल रहा है कि जो तुम्हारे खाता में बैलेंस है, यूनियन बैंक में खाता खुला हुआ है, उसमें बहुत सारे पैसा जमा है, उसमें नहीं खुलेगा लेबर कार्ड। कितना रुपया जमा है? 99,09,00,000 ऐसे कुछ रुपया है। तो तुम फिर क्या किया? हम उसके बाद आए यूनियन बैंक मिलने के लिए, इनसे मिल के गए तो बोला कि जो कल आओ, कल आके उसके बाद तो हम इसे हम टेस्ट मारे, मतलब हमको दो जितना डॉक्यूमेंट्स दिया है वो हमको दिखलाइए, अकाउंट हम मांगे उनसे तो वो नहीं दिया, बोला कल आओ सीनियर अफसर आएंगे तो इसका मामला हल करेंगे। तुम्हारा आधार कार्ड कैसे उन लोगों को मिला खाता खोलने के? तुमने किसी आधार कार्ड हमको एक ही जगह पोस्ट ऑफिस से हमको फटा हुआ दिया था पोस्ट ऑफिस वाला, उस रोज हम उसको बोल दिए तो बोला कि जो कोई बात नहीं घिस तिर में फट गया होगा तो इसलिए कोई बात नहीं रखो सिग्नेचर तुम्हारा ही है। हम तो नहीं किए सिग्नेचर, वो कैसे है सिग्नेचर मेरे को कोई मालूम नहीं। मेरा नाम विपिन चौहान। तो 9 करोड़ गया, 10 करोड़ जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल से उसमें कोई भी सत्य नहीं है। हमने अभी खाता चेक किया और आप लोगों को भी दिखाया है, उसमें कोई भी ऐसा बैलेंस कभी आया ही नहीं है, और जो बैलेंस आपको दिखा रहा है वो उतना उसमें रोक लगा हुआ है। कभी उसमें कोई साइबर क्राइम की घटना हुआ था तो साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा उस पर रोक लगाया गया है, जो कि आपको बैलेंस नेगेटिव में दिखना चाहिए, जो कि आपके सिस्टम में नहीं दिखा रहा, इसलिए से आपको वो अमाउंट दिख रहा है, उसमें ऐसा कोई सत्यता नहीं है इस मामले में। किन लोगों के द्वारा खाता खोला गया? जिसका खाता है वो कह रहा है नहीं खोला है। ये इस जांच का विषय है, इस पे जांच किया जाएगा, हम अपने उच्च अधिकारी को उसका रिपोर्ट करेंगे, वो देखेंगे क्या हुआ है। ये सब जांच का विषय भी हम आपको नहीं बता सकते, ये देखना पड़ेगा खाते को, और जो कि वो साइबर क्राइम का रोक लगाया गया हम उसमें ज्यादा जाँच कर भी नहीं सकते,
ये हमें अपने उच्चाधिकारी को बताना पड़ेगा, वो बताएंगे इसमें। ये साइबर क्राइम का मामला है, चूंकि इनका खाता 2016 में, जैसा कि सिस्टम बता रहा है कि 2016 अक्टूबर में इन्होंने खाता खोला था और फरवरी 2017 में ये खाता को साइबर के थ्रू ही बंद कर दिया गया है। इन 3 महीने के बीच बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो मैं अभी शाखा प्रबंधक को निर्देश देता हूँ कि वो सारी चीज़ों का विवेचना करें और ये खाता किसने खोला, कैसे खुला, KYC वगैरह उनका हुआ है नहीं हुआ है, इन सारी बातों का मैं संज्ञान लेता हूँ और मैं सारा रिपोर्ट जो है इनसे मैं तलब करता हूँ। सर बताया जा रहा है उसके खाते में 9 करोड़ रुपए हैं और उसकी दूसरी जगह उसका अकाउंट नहीं खुल पा रहा, उसको लेकर क्या? ये जब तक मैं उसके अकाउंट अपनी फॉर्म को देख नहीं लूँ किस वजह से खोला गया था, जैसे इनका कहना है कि ये फ़ोटो मेरा नहीं है, इन सारी चीज़ों को तब पहले तहकीकात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। क्या सर? मैं संतोष कुमार खां, मैं मुख्य प्रबंधक हूँ रांची अंचल कार्यालय में। आ9 भारत के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट।